प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर क्यों आपको इस जीवन में यही लग्न मिला है। आपकी जन्म कुंडली किसी न किसी लग्न की तो होंगी, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर इसी लग्न में मेरा जन्म क्यों हुआ है। होने को तो किसी अन्य लग्न में भी जन्म हो सकता था, लेकिन ऐसी क्या स्थितियां रही या पूर्व जन्म के ऐसे क्या कर्म रहे जिनसे आपको ये लग्न मिला है। आज इसी से जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक बात मैं आपको बता देता हूं ताकि प्रारंभ में ही आप सब समझ जाए, जैसे तो लग्न कुंडली की बात कर रहा हो तो सिर्फ लग्न कुंडली आप सामने रखेगा, लग्न का विचार कीजिएगा। दूसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं केवल इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको बता रहा हूं। हर एक लग्न के लिए अलग अलग प्रभाव नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उस पर मैं हर एक लग्न के लिए एक एक अलग अलग वीडियो लाऊंगा। यानी मेष लग्न वालों के लिए एक अलग वीडियो होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेष लग्न वालों की बात होंगी, फिर वृषभ लग्न वालों के लिए दूसरी, इसी प्रकार पूरे 12 लग्नों की वीडियो में दूंगा और राशियों की भी जानकारी आगे आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन आज जो है आपको देखना कैसे है और ये बात जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, इसे जिन्हें ज्योतिष की थोड़ी भी नॉलेज है वो आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर मैं क्या आपको बता रहा हूं। और आप जब इसे मिलाएंगे, इसे मैच करेंगे अपने जीवन पर, अन्य के जीवन पर, तो आप देखेंगे कि ये प्रभाव सटीकता के साथ मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको एक जीवन का उद्देश्य प्रदान कर देगा कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव लेने के लिए आपको करना क्या चाहिए, उसकी जानकारी आपको ये दे देगा। इसीलिए आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए और केवल आज की नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखने के लिए पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आप सभी की जानकारी जल्दी ही प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को मैं आपके समक्ष रखता हूं, आप मिलाइए। आपको लग्न कुंडली सामने रखना है, ये तो सभी जानते हैं किसे प्रथम भाव कहा जाता है। नहीं जानते तो आप एक बार ये साइड वाले यहां पर चार्ट को देख लीजिए, इसमें आप देख पा रहे ऊपर प्रथम भाव लग्न लिखा है, वहां पर आपको देखना है कौन सा अंक है, उससे आपको पता लग जाएगा लग्न कौन सा है। बाकी इतना तो मुझे लगता है आप सभी को पता होगा ही। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे देखना है। देखिए, लग्न आपको जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए वो अपने से सातवें भाव के लग्न के किए, यानी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि आती है आपने अधिकतर उस लग्न के कार्य पूर्व जीवन में किए हैं और इस कारण से आपको ठीक उसके सातवीं राशि लग्न के रूप में मिली है और अब चाहते हैं कि आप उसका काम करें। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, तो इसका अर्थ क्या है कि पूर्व जीवन में उसने जो कार्य किए हैं ये सप्तम भाव से जुड़े किए हैं। जो सप्तम भाव में कौन सी राशि आती है, तुला राशि, तो तुला राशि से जुड़े उसने अधिकतर कार्य किए हैं और मेष लग्न की जो चीजें होती है उसको उन्हें ध्यान नहीं दिया है, उससे जुड़ी कमियों को छोड़ करके आया है, इसीलिए मेष लग्न भी जीवन में मिला है। जैसे तुला राशि के काम किस प्रकार के आएंगे, तुला राशि के काम आएंगे कि व्यक्ति अपने जीवन में, पूर्व के जीवन में ये बोल सकते हैं कि वो सुख सुविधा में रहा है, भोग विलास में रहा है, उन्हें ऐश्वर्यशाली जीवन जिया है, अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान नहीं रखा, अन्य के सभी के बारे में सोच सोच करके उसने काम किया है और उसी में अपने पूरे जीवन को लगाया है। किसी भी प्रकार से हर परिस्थिति को बैलेंस करने में, हर परिस्थिति को संभालने में उसने अपने जीवन को लगाया है और इसीलिए उसे अब मेष लग्न मिला है। पूर्व जीवन में उन्हें जैसी परिस्थिति मिली अपने आप को उसी में ढाल लिया, अपने आप को उसके अनुरूप बना लिया, लेकिन अब उसे इसके विपरीत काम करना है। यानी अगर अब मेष लग्न व्यक्ति का बना है तो उसे ये काम करना है कि उसे अपने बारे में सोचना है। आपका अगर मेष लग्न है तो आपसे प्रकृति चाहती है अन्य के बारे में, अन्य देख लेंगे लेकिन आप पहले अपने बारे में सोचे, अपने लिए कुछ करे। और इसीलिए मैं हर बार मेष लग्न वालों को बोलता हूं कि आपके लिए आपका करियर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है और देख पाएंगे आप जिनके मेष लग्न है और अगर उनका करियर अच्छा नहीं होता ना, वो अपने जीवन में बड़े परेशान होते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं बहुत परेशानी आती है, क्योंकि करियर आपसे जुड़ा है। मंगल का लग्न मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि मंगल मेहनती ग्रह है। कहीं पर
फील्ड में किसी करियर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मंगल प्रमुख होता है, और मंगल को अगर वो ना मिले तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है। यानी अगर मेष लग्न वालों को स्वयं के ऊपर वो ध्यान ना दे, स्वयं के काम के ऊपर अगर वो ध्यान ना दे, तो सबसे बड़ी परेशानी उनके जीवन में यही आती है। अब उनके जीवन में सुख अर्जित करना या सुख सुविधा में रहना ये प्रमुख लक्ष्य नहीं होना चाहिए और ना ही होता है अधिकतर। लेकिन प्रमुख लक्ष्य आपका होना चाहिए कि किस प्रकार मैं अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, किस प्रकार अपने नाम को, अपने जीवन में अपनी तरक्की को बढ़ा सकूं। और हो सकता है आप सोचे तो स्वार्थी स्वभाव है, लेकिन यही आपके लिए जरूरी है। आपको मेष लग्न मिला ही इसीलिए है कि आप स्वयं को आगे रखकर, स्वयं के बारे में सोचकर और फिर आगे बढ़े। कोई भी काम हो तो पीछे कर, स्वयं को करने की जगह आप आगे आइए, निडर हो जाइए किसी भी काम में और फिर आप आगे बढ़िए। ये लग्न आपसे ये चाहता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लग्न का जो कार्य है वास्तविकता में जो आपको मिला है उसे पूरा कर रहे हैं। और हालांकि ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक से शुरुआती जानकारी दी है, अभी इसमें बहुत सारी बातें जुड़ना बाकी है। जिसे जैसा मैंने कहा कि जब आपके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनेंगी और उसमें जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना एक रहस्य आपके लग्न से जुड़कर आता है आपके जीवन पर। स्वभाव में बातें भी बताऊंगा, कुछ वो आगे बताऊंगा, लेकिन तो उन्हें आपको देखना है, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहे। लेकिन ये है कि मेष लग्न मिला है तो अपने बारे में सोचिए, वृषभ लग्न आपको मिला है। क्यों मिला है वृषभ लग्न? क्योंकि पहले जो आपका ध्यान था वो आपके कुटुंबी जनों के अलावा बाहर की चीजों पर था, बाहर के लोगों के लिए आप काम करते थे। आपका जो ध्यान था वो रिसर्च पर या फिर दूर स्थानों से जुड़ने पर या फिर रहस्यमय चीजों की ओर जुड़ने पर रहा था आपका ध्यान। या ये मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो मुख्य ध्यान रहा था वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से दूर होकर कहीं अन्य चीजों में ही लगा रहा था। आपका ध्यान जो था वो ये हो सकता है कि कुछ नया खोजने में लगा हुआ था। लेकिन अब प्रकृति आपसे क्या चाहती है? अब प्रकृति आपसे चाहती है कि आप थोड़ा आराम करें, थोड़ा सुख और आनंद का भोग करें और अपने कुटुंबी जनों का, अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताए, उनसे अपने संबंधों को अच्छा रखें। अगर वृषभ लग्न है तो ये आपसे प्रकृति चाहती है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या आएंगी तो आप देखेंगे कि अगर आप वृषभ लग्न के हैं और अगर आप अपने घर परिवार से जुड़े रहते हैं तो आपकी समस्या अपने आप कम होती नजर आएंगी आपको। क्योंकि जो वृषभ लग्न है ये है ही दूसरे भाव का लग्न, दूसरे भाव की राशि है वृषभ राशि, और इसीलिए घर परिवार, फाइनेंस, धन आदि ये सब आपके लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। तो इसीलिए अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपने जीवन काल के अंदर अपने घर परिवार से जुड़े रहे, उनसे जुड़ के कोई काम करें। तो क्या देखेंगे आप कि आपके जीवन में जो आपका उद्देश्य, आपका कार्य करने जो आप आए हैं वो भी आप पूरा कर पाएंगे, अपने घर परिवार से जुड़कर अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसा देखने को मिला है कि जब व्यक्ति लग्न के अनुसार कार्य करता रहता है जीवन में, जैसे मेष वाले के लिए कहा कि अपने ऊपर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान रखे, अपने शरीर का ध्यान रखे, लग्न शरीर है, पहला भाव पहली राशि शरीर को लग्न को दर्शाती है, तो अपना ध्यान रखे। ऐसा व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसके जीवन में अन्य क्षेत्र खुलते जाते हैं, उसके लिए अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। वृषभ वालों ने घर परिवार का ध्यान रखा, अपनी वाणी पर ध्यान रखा, अपने खान पान का ध्यान रखा, तो देखेंगे कि उन्हें जीवन काल के अंदर एक सही दिशा मिलेगी। वो किसी भी कार्य में होंगे तो वहां रुकेंगे नहीं, वहां फंसने वाला प्रॉब्लम वाला प्रभाव नहीं आएगा, वहां से निकलने वाला प्रभाव आएगा। ये कुछ बातें हैं इसमें। अब मिथुन बना है, आपको यात्राएं करते रहना या कुछ परिवर्तन करते रहना क्यों पसंद है? क्योंकि पहले आप पूरी तरह से नियम और कायदों से चले हैं, क्योंकि पहले धनु का प्रभाव था आपके ऊपर, तो नियम कायदों से आप चले हैं, अनुशासन से चले हैं, धर्म का पूरा पालन किया है, पूरे सजगता के साथ आप चले हैं। कोई आपने अनुचित कार्य अपनी ओर से नहीं करने का प्रयास किया, दूसरों का सम्मान करना, बड़ों की सुनना, सबको सुन करके आप चले हैं। लेकिन अब मिथुन लग्न आपको क्यों मिला? ये चाहता है कि आप जरा, आपने दूसरों की तो बहुत सुन ली, अब थोड़ा अपने अनुसार करो, भले लंबे समय नहीं करोगे लेकिन अपने अनुसार करो, परिवर्तन करते रहो, कुछ नई हॉबी हो तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा हंसी मजाक करते रहो। तीसरा भाव दोस्त मित्र आदि अड़ोसी पड़ोसियों का है तो उनसे घुलते मिलते रहो, अकेले में मत रहो, सबसे मिलकर रहो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन लेकिन ऑनलाइन जुड़ो, कैसे भी जुड़ो। तो ये तीसरी राशि आपसे चाहती है आप जुड़े रहे। इसी प्रकार हर राशि और उससे सातवां भाव आपके जीवन का, आपके पूर्व जीवन से बहुत कनेक्टेड है। लग्न में जो मिली है वो इस जीवन में आपको करना है। जैसे कोई मिथुन लग्न का है, चुपचाप रहे, अपने आप में रहे, तो समझ जाइए कि वो मिथुन का काम नहीं कर रहा है और उससे उसके जीवन में परेशानी उसको देखने को मिलेंगी। वो अपने मूल स्वभाव से दूर होकर के मानसिक तनाव के बीच में घिर जाएगा, तो ये प्रभाव यहाँ पर गंभीर हो जाएगा उसके लिए। और एक छोटा सा काम करने से कि वो सबसे घुलने मिलने लग जाए, छोटी यात्राएं करने लग जाए,
बातें करने लग जाए, ऑनलाइन कोई कार्यों में, मीडिया के कार्यों में लग जाए, तो व्यक्ति देखेगा कि जीवन में उसे अच्छा भी लगेगा, कम्युनिकेशन के काम में जुड़ जाए, बहुत बढ़िया लगेगा उसे और जीवन में वो सफल हो पाएगा। तो मेनली जैसा मैंने कहा, आज ये उद्देश्य नहीं कि मैं सभी का एक एक करके बता दूं आपको, क्योंकि ये तो मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इतना तो आप राशि के बारे में तो आप ही जानते किस भाव की राशि है, उतना तो आप ही जानते वो राशि के अंदर स्वभाव कैसा होता है, और बाकी जब विस्तार से दूंगा तब आपको इसमें मुख्य आनंद आएगा और तब आप देखेंगे कि जो प्रभाव है वो आपके जीवन से जब मिलेगा तो आप सोचेंगे कि हाँ ये वास्तविकता में ये काम हमको करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। और जैसे कर्क है, कर्क कौन से भाव में आती है, मैं बस एक सामान्य जनरल आइडिया सभी का दे देता हूँ, कर्क किस भाव में आती है, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आती है। तो चतुर्थ भाव घर का है, परिवार का है, होम एनवायरमेंट का है, भावुकता का है, चंचलता का है। तो कर्क आपको इसलिए मिली है क्योंकि पहले आपका ध्यान केवल और केवल अपने कर्म में था, मकर सामने है क्योंकि, तो पहले आप कर्म प्रधान बहुत थे। अब आपसे मैं कहूँ कि आप काम कीजिए तो आलस का प्रभाव बढ़ जाता है आपके अंदर, तो चंचलता बढ़ जाती है क्योंकि पहले जितना आपने फोकस होकर काम किया अब उसका उलट आपको काम करना है। तो इसीलिए कई बार वो करियर के दृष्टिकोण से जो लग्न में कर्क आती है तो वो चंचलता, भावुकता, घर से जुड़े रहने का एक स्वभाव, अलग नहीं जाने का स्वभाव बढ़ा देती है। लेकिन कई बार विडंबना देखिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए उनको घर परिवार छोड़ना पड़ता है, जो वो चाहते नहीं मन से, वो चाहते घर परिवार के साथ रहना, होमली एनवायरनमेंट में लेना रहना, सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे से साथ में जुड़कर रहना, कोई अगर अकेला हो तो उसका जुड़ करके एक परिवार जैसे रहना, ये कर्क वालों का स्वभाव है क्योंकि पूर्व जीवन में उससे पूरा उलट काम करके आए हैं, इसलिए उनको ये प्रभाव मिला है। ना विश्वास हो तो अपने स्वभाव में मिलाकर देख सकते हैं आप। सिंह पंचम भाव का है, पंचम भाव मान सम्मान का है। पहले आपने ऐसे काम किए जो सेवा भाव से हो सकते थे, दूसरों के लिए हो सकते थे, लेकिन अब आपको चाहिए कि आपका नाम सम्मान हो, मैं जो कर रहा हूँ उसका कम से कम एक असर मेरे जीवन पर आए, उससे मेरा नाम भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। यह आपके अंदर एक स्वभाव है, कुछ कहे तो चार लोगों ने देखना चाहिए, चार लोगों ने प्रशंसा करनी चाहिए, ये स्वभाव आ जाता है आपके ज्ञान की, आपके कार्यों की, आपके दिखावटी चीजों की अन्य के द्वारा प्रशंसा ना हो, तो ये सिंह का गुण नहीं है। सिंह वालों के अंदर तो ये स्वभाव होना चाहिए कि कोई छोटा काम भी कर रहे हैं तो दिखा कर करें, ये सिंह का वास्तविक गुण है। सिंह से जैसे आजकल होता है कि आप कोई भी मतलब कोई भी कार्य करा, उसकी फोटो ली और फोटो डाल दी आपने, वो सोशल मीडिया पर किसी भी उसमें आपने डाली हो, आपने डाल दी, तो ये प्रभाव आपकी सिंह राशि का है। किसी को सिंह राशि किसी भी भाव में व्यक्ति को करना हो तो काम क्या है उसका कि आप फोटो खींचिए, किसी भी कार्य को डालते जाइए, तो इस सिंह राशि जहाँ होंगी वो एक्टिव होंगी इससे। तो और जिनकी सिंह राशि बहुत एक्टिव होती है, आप देखते हैं जिनके, जैसे मैंने कहा ना लग्न में सूर्य, लग्न में सिंह राशि क्या करेंगी कि व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी काम करे दिखना चाहिए वो काम, तो वो बात यहाँ पर सिंह में आती है। लेकिन क्योंकि सिंह राशि बच्चों की है, बच्चों से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी है, तो कुछ ना कुछ सीखना, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते रहना और छोटों के लिए कुछ करना, अपनों से छोटे जो हो उनके लिए कुछ करना, राजा की राशि मिली है तो सभी के लिए सोचना, सभी के लिए कुछ ना कुछ काम करना, यह आपके स्वभाव में जन्मजात आना चाहिए। कन्या की बात करेंगे, छठे भाव की राशि है। पहले आपका ध्यान पूरी तरह से अगर किसी प्रकार से मोक्ष की प्रवृत्ति की ओर या धार्मिकता की ओर पूरी तरह इस तरह की चीज़ों में रहा होगा कि आपको मोह माया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ त्यागना है, ये सब चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा मात्रा में चली होंगी। अब लेकिन ये ग्रहावस्था चाहती है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हटो और आप सोचो धन के बारे में, कितनी माध्यम से और कितने प्रकार से और कितना धन मैं कमा सकता हूँ इसके बारे में सोचो। कन्या वालों को तो मैं हर बार बोलता हूँ, ये लग्न हमेशा पढ़ने वाला स्वभाव है, सीखने वाला स्वभाव है, लेकिन वो सीखना इसलिए नहीं कि कुछ काम ना आए, इसलिए कि उससे कितना धन मैं कमा सकता हूँ। कन्या का मूल स्वभाव ये होना चाहिए और होता है अधिकतर। और कन्या के अंदर छठा भाव है तो वो शत्रुओं से परेशानी, रोग से परेशानी, ये सब चीज़ें आपके साथ में चलना है और इन्हीं के साथ में आपको रहना है, इसलिए आपको जीवन मिला है कन्या लग्न से जुड़ा। इसको आप अच्छा बोले, खराब बोले, कुछ भी बोले, जैसे मैंने बोला कन्या छठे भाव की राशि है तो छठा भाव परेशानी तो है, संघर्ष तो है, लेकिन उसके अंदर जो बुध का मैनेजमेंट है वही बुध मैनेजमेंट देकर आपको चाहता है कि आप उसको बैलेंस करो। अब आपको परेशानी दी है, अब मैनेज करो उसको, ये आपके जीवन से करवाना चाहता है, तो आपको चाहिए कि उसको मैनेज करो, ना कि उससे पीछे हटो। नहीं तो आप पीछे हट गए तो क्या होगा, वो कन्या का नकारात्मक प्रभाव आएगा और आप पीछे रह जाओगे अपने जीवन में। तो इसीलिए और क्या है ना, ग्रह भी क्या करते हैं कि आपसे शुरुआती समय पर एक परीक्षा लेते हैं आपकी कि आप मैनेज कर सकते हो, तो आपको देगा मुश्किल टास्क आपके जीवन में आएगा, तो ग्रह चाहेंगे कि आप उसके अनुसार थोड़ा कर लो काम, आपने कर लिया तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। और कई बार ऐसे में ये होता है कि व्यक्ति पीछे हट जाता है, अपने कदम पीछे ले लेता है, छठा भाव रिस्क का है। अब कन्या वाले रिस्क नहीं लेंगे तो परेशानी में ही फंसेंगे, भले मंगल मैं बोलूँ खराब भी हो, रिस्क में नुकसान होने की स्थिति भी हो, लेकिन रिस्क नहीं लिया तो कन्या राशि वाले सफल कैसे हो पाएंगे, वो तो फिर सामान्य स्थिति में रह जाएंगे। जो उनका मूल
एक प्रभाव स्वभाव में एक प्रभाव है उनके अंदर कि वो रिस्क लेकर कुछ भी करेंगे और सफल होंगे वो तो कर ही नहीं पाएंगे फिर वो, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मैंने वृश्चिक वालों के लिए कहा है कि आपके जीवन में संघर्ष परेशानी, क्योंकि अष्टम भाव की राशि आपके जीवन में बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि पहले आपने घर परिवार का सुखों का सब जो भोग करना था आपने कर लिया, घर परिवार साथ बहुत जुड़ लिए, अब कोई घर परिवार वाला भी साथ नहीं देगा आपका। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वृश्चिक आपको लग्न इसीलिए मिला है। आप सोचो कि आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध क्यों खराब है, तो उसका कारण आपको भी नहीं पता है, लेकिन है खराब तो वो अष्टम भाव की राशि के कारण। आपका स्वभाव जो रहस्यमयी है, जिससे दूसरे तो कोई समझ नहीं पाते लेकिन आप समझ जाते हो, क्योंकि वो गुण आपको प्रकृति ने दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि अब आप थोड़ा इसका उपयोग करो, दूसरों की सहायता करो। थोड़ा घर परिवार के लिए तो बहुत सोच लिया, दूसरों के परिवार वालों के लिए सोचो, दूसरों के घर के लिए सोचो। आप सोचते भी होंगे जिनका वृश्चिक का प्रभाव सकारात्मक आ रहा होगा वो दूसरों के लिए सोचते भी होंगे, हालांकि ज्योतिष ऐसी विषयों में उनकी रुचि तो होंगी लेकिन सोचेंगे भी। अब कुछ सोचेंगे तुला क्यों नहीं बताया, मेरा वृश्चिक भी नहीं बता रहा था, क्योंकि वो तो उसका उल्टा ही हो जाएगा, मेष से लेकर कन्या तक बताया उनका उल्टा कर दीजिए तो वो तुला से मीन का हो जाएगा वृश्चिक, इसलिए कि एक वहां अष्टम भाव का प्रभाव था, कुछ अलग बातें वहां जोड़ना जरूरी थी, तो वो मैंने आपको बताया है। अब आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा लग्न बना है, उससे सातवां देखिए वो आपने किया है, और उससे विपरीत आपको करना है। बड़ा ही रोचक विषय है, आप अगर राशि के बारे में समझते हैं जानते हैं थोड़ा, तो ये तो मैंने कुछ दो दो पॉइंट बताए हैं जो हो सकता है आपके जीवन से मिलते भी हो। यहाँ ग्रहों को जोड़ करके, यहाँ स्थिति को जोड़ करके जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितना अद्भुत प्रभाव जीवन से मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो जानकारी मैंने दी है इसे आप थोड़ा विस्तार से गहन शोध करके, थोड़ा अपने स्वयं से समय निकालकर अपनी कुंडली पढ़ने की कुंडली पर विचार कीजिए। कभी खाली रहे तो इस विषय पर विचार कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत सटीक प्रभाव आपको जीवन में मिलेगा, और उस अनुसार काम कीजिए जो आपका लग्न चाहता है, तो आप देखेंगे जीवन में जो स्थिति है बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अब कुछ दर्शकों की जो मांग रहेंगी कि आधा नहीं बताया, उनके बारे में नहीं बताया, बिल्कुल आपको चिंता ना करें, आगे बताऊंगा और एक एक करके पूरा विस्तार से बताऊंगा, तो आप उसे देखेंगे तो ज्यादा आनंद आपको आएगा। अभी मैं अगर सभी लग्नों को कवर भी करता तो दो 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 पॉइंट बता के ना आपको उसमें अच्छा लगता ना ही मुझे, तो इसलिए आप थोड़ा समय रुकिए, आगे जब विस्तार से बताऊंगा तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही उसमें अच्छा प्रभाव मिलेगा, और ये जल्दी ही बताने वाला हूँ मैं, तो आप इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहे तो आपको सभी वीडियो मिलेंगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।